हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वी आर बैक टू द ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब भी ठीक होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो यार, मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज। शायद 2 या 3 दिन गया यार, मैंने बीच में ब्रेक लिया था, तो मैं अब यार मैं व्लॉग बना रहा हूँ। ज़रा यार कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, नज़ला वज़ला हो रहा था यार, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियाँ आ गई हैं टाइट वाली, बहुत ज़बरदस्त वाली। तो बस अब ना यार थोड़ा सा बस वो तबीयत आउट चल रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह कुछ बेहतर हुआ हूँ, तो मैं अब व्लॉग बना रहा हूँ। और यार माशाल्लाह मैंने क्रिकेट का व्लॉग डाला था अभी कुछ दिन पहले ही, एक आध दिन पहले, तो ना उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए कि भाई पार्ट टू कब आएगा, पार्ट टू कब आएगा। तो भाई पार्ट टू मैंने डाल दिया, तो यार जिसने नहीं देखा तो वो जाके देख लें। मैं ना उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सही है। और यार जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, तो उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया यार, आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा, क्या वो लोग इतना सपोर्ट करते हैं और ना कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो यार आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो यार अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार, सब्सक्राइब कर देना, सही है। और यार जिसको पता है मैंने ब्लॉग डाला था चाय सब वाला, तो ना उस पर भी सर वो काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि भाई आप कश्मीरी चाय कब बनाएंगे, तो उसका भी ब्लॉग डालिएगा, अपलोड करिएगा। तो भाई मैं आज मुझे टाइम मिला है और ना मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, तो मैं अपना कश्मीरी चाय बना रहा हूँ, सही है, कश्मीरी चाय। और ना मैंने कभी आज तक ना कश्मीरी चाय मैंने देखी है, लेकिन ना मैंने उसको पी नहीं है कभी आज तक, पता नहीं ऐसा कुछ यानी कि वो हुआ है। तो आज मैं पहली दफ़ा अपने हाथों से मैं तो बनाऊँगा और ना मैं पीऊँगा यार। वैसे ना मैं चाय और कॉफ़ी तो मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ, बल्कि कॉफ़ी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी बनाता हूँ, क्योंकि यार मैं आम रूटीन में भी ना मैं ज़्यादा करना मैं खुद कॉफ़ी बनाता हूँ, मैं खुद ही पी लेता हूँ। चाय से ज़्यादा मेरी कॉफ़ी अच्छी होती है, कोल्ड कॉफ़ी होगा या फिर जो नॉर्मल होती है वो। तो बट मैं आज कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं आज कुछ यानी कि अलग एक कश्मीरी चाय बना रहा हूँ, जो मैंने चाय सबसे ली थी, मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वो भी ब्लॉग देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी ब्लॉग सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था चाय सब वाला, कि उसमें मैंने अपनी शॉपिंग दिखाई थी कि मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और जो ऑफर्स लगी थी ये सब, सही है। मैं उसका भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज मैं क्या बना रहा हूँ, कश्मीरी चाय, सही है। अब किचन में चलते हैं और पहले मैं चेक करता हूँ कि भाई गैस आ रही है नहीं, क्योंकि कराची में बहुत ज़्यादा गैस का मसला हो रहा है, और सर्दियों में तो ना बहुत ज़्यादा कराची में गैस बहुत ही ज़्यादा स्लो आती है, फिर आती नहीं है। तो चलें अब मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये व्लॉग आज कश्मीरी चाय के ऊपर होने वाला है, कि आज खजर कितनी अच्छी कश्मीरी चाय बनाते हैं, सही है, चले आए। बिस्मिल्लाह भाई, हम लोग आ चुके हैं भाई, मैं आ चुका हूँ ना यार, पता नहीं मेरे अंदर क्या है, मैं ना ये बात बोलता हूँ कि भाई हम लोग आ चुके हैं, नहीं भाई मैं आ चुका हूँ, और मैं आज इंशाल्लाह कश्मीरी चाय बना रहा हूँ। देख लो ये रही कश्मीरी चाय, सही है। अब मैं यार थोड़ा सा ना मैं सेटअप कर लूँ, यानी कि वो क्या होता है बर्तन वर्तन निकाल लूँ, फिर मैं ना कश्मीरी चाय बनाता हूँ इंशाल्लाह। पहले एक सेकंड गैस देख लेता हूँ यार। अबे यार ये क्या, अबे अभी गैस आ रही थी यार थोड़ी देर पहले, मैंने चेक किया गए, अबे ये देखो एकदम से इतनी तेज हुई है। अबे यार गाइस देख लो यार, ये आपके सामने कराची में क्या यहाँ पे गैस के हालात चल रहे हैं यार, अजीब। चलो यार मैं तो निकालूं, देखा तो ये भी गैस ना चली जाए, सही है, मैंने निकाल। अबे ये तो गैस चली गई। अबे यार क्या है यार अजीब, ये दिख रहे हो गाइस, और ये पूरा खुला हुआ है। अबे एकदम सो गया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह गैस आ जाए, मैंने व्लॉग बनाना है अल्लाह, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, शुक्र भाई। तो भाई मैं यार ज़रा थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूँ, और ना फिर मैं व्लॉग बनाता हूँ कश्मीरी चाय का, यार बस ये गैस ना चली जाए। तो यार गाइस मैंने ना सेटअप कर लिया, मैंने ना इस कप के लिहाज से ना मैंने इसमें ना दूध भी डाल दिया, लेकिन यार गैस देखो यार बहुत ही ज़्यादा स्लो आ रही है यार। तो अभी ना थोड़ा सा यार ये ना दूध गर्म हो जाए ना, फिर मैं कश्मीरी चाय पे मैं इसमें डालूंगा, लेकिन यार मैं जब तक पढ़ लेता हूँ कि यार ये कैसे बनती है, क्योंकि मुझे तो भाई कुछ आइडिया नहीं है कि कैसे बनती है क्या है, तो अब देखता हूँ इसमें दिया हुआ तो यार कुछ। अबे इससे अच्छा मैं जितनी देर में पढ़ूंगा ये समझूंगा इसको, तो मम्मी से ही ना पूछ लें, मम्मी को तो पता ही होगा
एक सेकंड यार, मैं मम्मी से मैं पूछ के आता हूँ। अम्मी अम्मी, कश्मीरी चाय कैसे बनती है? हैं, कैसे बनती है कश्मीरी चाय पता है? कुछ आइडिया है? अम्मी भी सोचो में घूमे। हाँ ना, सिर्फ दूध बना में ये शाशा डाल दो। दूध में, बस मैं शाशा डाल दूँ, पक्की बात है। हाँ, और हाँ, ये चीनी तो शायद, साशे में सब चीजें होंगी उसमें डाल के, और इसको और पका लो चीनी बस। शायद है इसमें होगी नहीं, तो और चीनी घर, तुम्हें अच्छा चीनी भी पकाने डाल में दूँ? ऐड कर सकते हो। नहीं, चीनी होगी इसी के अंदर, चखना पकाते में चमचे से चख लेना। और चीनी कम हुई तो फिर मैं डाल दूँ चीनी? हाँ बस, बाकी अपना सब तो पूरा साशा ही, इसमें सब कुछ होगा। बखारी दूध में डाल के इसको पकाना होगा बस। सही, और घर में जो बनाते हैं, घर में दूसरी तरीके से बनाते हैं, सब कैसे? चीजें वीजें डलती हैं उसमें। उसका मसाला भी होता होगा ना कुछ, क्या कुछ ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं ना इसमें? तो इसमें तो है पैकेट, मैंने देखा अंदर ना, यानी कि वो लिखा हुआ है ऐसे कुछ, ड्राई फ्रूट्स भी इंक्लूडेड इन पैकेट्स, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। चलो चलो सही। चलो भाई, शुक्र है अम्मी को यार पता था, क्योंकि अम्मी ने ना पहले भी ना यानी कि कश्मीरी चाय बनाई है, लेकिन कुछ इत्तेफाकन जब हुआ कि शायद मैं जब घर में नहीं था, मैं कहीं गया हुआ था तो ना, इसलिए तो मैंने अम्मी की हाथ की कश्मीरी चाय, शायद मुझे यार लग रहा है कि मैंने कभी पिए कश्मीरी चाय है, वैसे मुझे जितना याद आ रहा है ना, मैंने तो नहीं पिया कश्मीरी चाय। देख रहा हूँ ये ना ऐसे होती है इसके अंदर ना, यानी कि ये कुछ एवरी डे की है। अच्छा भाई, वैसे अच्छा इस पर लिखा हुआ क्या है? मिल्क वेजी डेवीज, पता नहीं क्या कुछ, एक सेकंड, वेजिटेबल वाइट एक्स्ट्रा पाउडर स्टेबलाइजर, अच्छा वो तो वो लिखा हुआ है, रेसिपी मैन्युफैक्चर्ड बाय, अच्छा वो तो मैन्युफैक्चर्ड बाय नेस्ले पाकिस्तान, पता नहीं भाई, बस सही अम्मी ने बता दिया। अच्छा भाई, और ना ही देख लो, ये 18 ग्राम की है, सही है 18 ग्राम की है। अच्छा भाई, ये नहीं ना दिखा, ये तो दिया भाई क्या, यानी कि एक कप में इसको कश्मीरी चाय डाल के फिर इसमें आप डालो, ये गरम करो हॉट वाटर, सही है, मिक्स एंड सिप द खास टी, सही है। अच्छा भाई, और मिक्स करके आप पी जाओ। सब सही है भाई, ये तो आसान है, सही है भाई। चलो यार, ये ना दूध कुछ गर्म मुझे लग रहा हुआ है, यानी देख लो इतनी सी गैस आ रही है, एक सेकेंड, अबे चमचा गरम हो गया, शिट यार, कसम से ही तो चमचा गरम हो गया, एक सेकंड यार मैं ना कुछ लेता हूँ, एक सेकंड, ये कपड़ा है ना यहाँ पे, इस कपड़ा है साफ है, थोड़ा सा ना यार गर्म हो जाए ना और मज़ा आ जाएगा, बल्कि यार मैं अब डाल ही देता हूँ पैकेट ना। तो भाई जिसको भी कश्मीरी चाय बनानी आती तो यार वो मेरा नंबर ले दे, कमेंट से मुझे बता दे, मैं सिखाने आ जाऊँगा। नहीं, सिखाने नहीं, मैं बता दूंगा भाई, मैं भाई मजाक कर रहा हूँ यार, मुझे खुद नहीं आती कश्मीरी चाय, तो मैं देखो कैसे बनाऊँगा क्या है, मुझे खुद आइडिया नहीं है भाई। चलो सही यार, मैं ना ये, मैं ये शाशा खोल के मैं इसमें डालता हूँ। अच्छा यार, मैंने ना ये अभी कश्मीरी चाय को ना देख रहा, मैंने ऐसे ना अभी कैंची से कट कर दिया, और ना ये ऐसी अंदर से, अच्छा इसकी ना खुशबू आ रही है ड्राई फ्रूट वाली, इसकी जो है ना खुशबू वो ड्राई फ्रूट वाली आ रही है, लेकिन मुझे इसमें से ना कुछ लग तो नहीं रहा कि इसमें चीनी डली हुई होगी, वरना कुछ ना कुछ शुगर की तो आती है, देख रहे ऐसी है। असल में यार मैं पहली दफ़ा बनाऊंगा तो मुझे आइडिया नहीं है कि कश्मीरी चाय कैसे बनती है क्या, लेकिन अम्मी ने चलो बता दिया, बस डाल देता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह यार, बल्कि सीधे हाथ से डालता हूँ, एक सेकंड, बिस्मिल्लाह। अबे हाँ, पिंक पिंक सा तो आ रहा है, पूरी डाल देता हूँ। अब मिक्स कर दो। अबे यार चमचा तो बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया है। अरे हाँ, पिंक कलर का आ गया भाई इसमें शेड।
अच्छा यार गाइज, मैंने ना थोड़ी सी ना दूध में ना मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाली थी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ना होने के बराबर थोड़ी सी मैंने डाली थी, क्योंकि ना मैंने सोचा कि यार शायद कुछ ना वो मलाई की वजह से ना कुछ आने के अच्छा टेस्ट आ जाएगा कुछ, तो ना इसीलिए दूध में ना जो शायद कुछ ये वाइट वाइट जितना लग रहा है ना, ये मुझे लग रहा है शायद थोड़ी सी मलाई होगी, लेकिन मलाई तो फुल अब दिख भी नहीं रही, और गैस देख रही है यार, पता नहीं यार ये गैस क्यों इतनी स्लो आ रही है यार, और ये काफ़ी टाइम से हो रही है स्लो, गर्मियों में तो फिर भी कुछ बेहतर थी, लेकिन अब सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई, और रात में ना कुछ यानी कि 10:30 11:15 के बाद ना गैस तो आती नहीं है, फिर सुबह आती है फजर के भी बाद, पता नहीं यार क्या जी, कराची का तो बस अल्लाह ही मालिक है, बस अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन, और पाकिस्तान को भी आमीन। अब जल्दी से बन जाए यार, फिर मेरा चलो मैं अभी ना थोड़ी सी मैं चखता हूँ कि यार कैसी है, कि यानी कि चीनी अगर कम है तो फिर मैं शक्कर डाल देता हूँ, वैसे हमारे यहाँ शक्कर भी और चीनी भी है, तो वहाँ फिर देखो मैं, चलो मैं अभी ना एक सेकंड मैं चखता हूँ, बिस्मिल्लाह। गरम तो बहुत ज़्यादा हो रही है, नहीं यार शक्कर इसमें है भाई, शक्कर इसमें है, चीनी है इसमें, शुगर है, तो कहना यानी कि खुशबू जिस तरह से आ रही है ना वो बहुत ज़्यादा मीठी की आ रही है इसमें से ना, लेकिन ये अभी और थोड़े से अच्छे से पक जाए ना फिर मैं ना चख भी लूँगा मैं ना, क्या यानी कि इसमें शुगर तो नहीं है, क्या सीन है। गर्म हो रहा है भाई, और अच्छा यार मैंने आप लोगों से ना गाइज एक बात पूछनी थी कि अगर इस वीडियो पे ना कमेंट्स आए ना ज़्यादा के ना, क्योंकि ना मैंने जो प्रीवियस जो मेरा ब्लॉग था तो मैंने उसमें बोला था कि यार वो ना हम वो हमारा ना कुछ यानी कि फ़ुटबॉल का सीन बन रहा है, ये ना वो हम लोग ना यानी कि रात वात में नाइट मैच ना हम लोग यानी कि फ़ुटबॉल का एक मैच खेल रहे हैं, एक दो तीन ऐसे ना यानी कि जितने भी, तो वो ना अगर इस वीडियो पे कमेंट्स आए तो आप लोग भी थोड़ा सा बताइएगा कि भाई क्रिकेट के अलावा भी यार कुछ यानी कि स्पोर्ट्स की चीज़ें लाओ, क्योंकि हम लोग जब भी हो क्रिकेट मैच ही खेलते रहते हैं, तो ना यानी कि क्योंकि मैं खुद यार ये अभी सोच रहा था कि यार चलो ना कि यानी कि सर्दी है, और ना क्योंकि अभी जनवरी शुरू हो गया है सही है, और ना यानी कि जो मेरे बिल्कुल शुरू के जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा कि मैंने दिसंबर में 2022 में दिसंबर या जनवरी के बिल्कुल शुरू में ही ना यानी कि एक साल पूरा हो गया तो हम लोगों ने ना फुटबॉल खेला था, जब एक साल हो गया मैंने फुटबॉल नहीं खेला, तो जब मैंने खेला था, जिसने वो भी व्लॉग नहीं देखा मैं उसका भी लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यार, क्योंकि वो ना व्लॉग एक तो पुराना है और ना कि उसमें हम लोगों ने बहुत ना हंसी मजाक तफरियाँ, और वो झूले वूले भी झूले थे हम लोगों ने बहुत ना, हम लोगों ने उसमें हंसी मजाक तफरियाँ हंसी बहुत फ़न किया है हमने उस ना व्लॉग में, उस व्लॉग में, तो ना मैं इंशाल्लाह उसका भी लिंक ना मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप लोग देख लीजिएगा, और ना कमेंट्स आए ना इंशाल्लाह कि भाई फ़ुटबॉल का मैच रखो तो इंशाल्लाह हम लोग फुटबॉल खेलने जाएंगे इंशाल्लाह सही है, अगर कमेंट्स आए तो। और यार बल्कि मैंने ना प्रीवियस व्लॉग में मैंने बोला था कि यार मुझे आप लोग ना कुछ हॉरर मूवीज़ ना सजेस्ट करें, कि यानी कि ना कोई बहुत टाइट वाली हॉरर हो, बहुत ज़्यादा, चाहे कोई सी भी हो, इंडोनेशियन हो, तुर्किश हो, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, बॉलीवुड की तो यार वैसे इतनी हॉरर नहीं होती, क्योंकि यार ये कंजूरिंग हो गई, एनाबेली हो गई, दनन हो गई, ये सब ना वो पोजेस्ट हो गई, ये सब हमने यार देखी है, और ये इतनी कोई हॉरर इतनी ज़्यादा हॉरर नहीं है, हॉलर है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई बहुत टफ होना कि हालत टाइट हो जाए, यानी कि हम वो मूवी देखें तो हमें डर लगे, तो ना उसका भी यार आप लोग ना कमेंट्स में बताइएगा कि भाई क्या सीन है, हॉरर्स मूवीज़ बताना बहुत टाइट वाली हों लेकिन सही ज़बरदस्त वाली हों। अब बाहर चलो अभी हम इस पर तवज्जो देते हैं, यार लेकिन ना गाइस गाइस खुशबू बहुत अच्छी आ रही है वैसे माशाल्लाह, बस अच्छी बन जाए यार चाय, वो सॉरी है कश्मीरी चाय, लेकिन खुशबू बहुत टाइट आ रही है यार माशाल्लाह से ना, शुक्र है इस गैस पे भी यार ये बन रही है,
और ये देख रहे हो फुल है यार ये गैस। चलो अभी यार मैं ना 2 मिनट अभी मैं ना इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर ये जब कुछ बन जाती है ना फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कैसे बनी है। सही है तो यार गाइज ये ना मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये ना बन चुकी है ऑलमोस्ट, देख रहे हो ये ना फुल ही आ रही है ऊपर तक। सोच रहा हूँ मैं अब निकाल लूँ यार, ये ना मुझे लग रहा है कि ये ना बन चुकी है। चलो अभी थोड़ी सी यानी कि कुछ 10-12 सेकंड ऐसे ही छोड़ देता हूँ कि शायद कुछ और अच्छी बन जाए। देखो यार लड़के भी कितने काम करते हैं यार। वैसे जो बात है मैं ना घर में सीरियसली मजाक सेट के ना मैं घर में अपने बहुत ज़्यादा अपनी अम्मी की अपने बहन की बहुत ज़्यादा मैं हेल्प करवाता हूँ। कुछ भी यानी कि कुछ काम हो, चाय बनानी हो या कॉफ़ी बनानी हो, कुछ भी जो भी घर के थोड़े बहुत काम होते हैं यार जो बात है मैं तो करता हूँ। मेरी अम्मी ने ना शुरू से आदत डाली हुई कि भाई कुछ भी हो ना आपसे सलम भी करते थे तो तुम्हें भी यानी कि ना करना चाहिए। अम्मी तो सबको बोलती हैं और ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी है ना यानी कि ननिहाल में भी और ददियाल में भी सबका ऐसा है कि सब ना मिल के काम करते हैं। यहाँ तक कि बल्कि मेरे जो है ना मामू माशाल्लाह वो तो इतने अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं, सिर्फ घर में कोई वो नहीं है। वो तो ना यानी कि कभी कभार यानी कि जब हम लोग बोलते हैं ना अपने मामू को कि भाई मामू बस आज कढ़ाई बना दिएगा आज पुलाव बना दिएगा, बहुत अच्छी बनाते हैं माशाल्लाह। उनकी यानी कि वाइफ भी बनाते हैं लेकिन ना मामू की ना थोड़ी सी वो मर्द है ना तो एक मर्द के खाने में एक बात अलग होती है, एक टेस्ट एक जायका एक अलग होता है। तो ना माशाल्लाह मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि यार सबको काम करने चाहिए, ये नहीं कि बस बहन ही काम करती है या माँ काम करती है हर वक्त, नहीं अच्छी बात नहीं है। भाइयों को भी या शौहर हैं जिनके उन सबको यार हेल्प करवाना चाहिए लाजमी। एक तो सुन्नत भी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी करवाते थे हेल्प बहुत ज़्यादा वो थे, तो यार हमें भी ना करनी चाहिए। कुछ काम हो छोटा मोटा कुछ काम हो कभी अम्मी बोल दें कि जाओ खजर चाय बना दो, दिल चाह रहा है तुम्हारे हाथ के इतना टाइम हो गया चाय नहीं पी, तो मैं बना देता हूँ, इतना कोई वो नहीं है मसला। 5 मिनट में चाय बनती है और वो उस चाय में थोड़ा सा प्यार हो मिठास हो, ओए होए जब फिर माँ से जो दुआएं जो मिलती हैं ना बस वो बस इंसान को चाहिए। बड़ों की जो होती है ना दुआएं मैं बोलता हूँ जिसने ले ली ना बड़ों की दुआएं बस भाई वो कामयाब है। फिर इसको कुछ इतनी परवाह नहीं है पैसों की या कोई टेंशन ना ले भाई, वो जो शख्स बड़ों की दुआएँ ले रहे ना अपनी नानी की या जो भी अपने अम्मी अब्बू की या जो घर में बड़े हैं बस भाई उसकी लाइफ सेट है भाई माशाल्लाह। बस हमें भी चाहिए कि यार हम लोग बिना यानी कि बड़ों की दुआएं लें उन्हें तंग ना किया करें। सही है मोटिवेशनल स्पीकर बन गया भाई मैं यार। मैं ना कभी कभार देखो मैं ना बन जाता हूँ, मुझे भी पता है कि यार थोड़ा सा ना मैं बोल देता हूँ एक अच्छी बात है यार, एक ना सब मोटिवेट होते हैं एक हिम्मत मिलती है कि हाँ नहीं यार खजर सही बोल रहा है। मुझे भी ना काफ़ी सारे यानी कि लोगों ने बोला कि यार तुम्हारी वीडियो में ना तुम कभी कभार ना माशाल्लाह मोटिवेशन की तुम ऐसी ना बातें करते हो अच्छा लगता है। मैंने बोला बस सही इंशाल्लाह अच्छा लगता है तो मैं आगे भी इंशाल्लाह इतनी ज़्यादा नहीं लेकिन जब भी जिस लिहाज से टॉपिक होगा मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ना अभी कुछ दिनों के बाद देना मैं कुछ सीन सोच रहा हूँ कि कुछ सीन मैं करना चाह रहा हूँ कि यार कहीं हम लोग कहीं जाएँ कहीं बाहर बाहर घूमने वूमने के लिए। तो सही है तो बस सब्सक्राइब लाजमी कर दिएगा ओके। चलो अब यार ये ना बहुत ज़्यादा हो गई है अब मैं यार इसको बंद कर रहा हूँ। शुक्र ही कपड़े पे नहीं आई, मैं सुनने से पूरा कपड़ा ही अंदर चला गया, नहीं कपड़ा गया था अंदर लेकिन लगी नहीं शुक्र। अबे पक पक के तो बहुत कम हो गई देख लो गाइस। बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। चलो अब यार मैं निकाल ही लेता हूँ बिस्मिल्लाह। धुआं देख लो चलो भाई बन चुकी है मेरी चाय कश्मीरी चाय। अबे यार ये बहुत टाइट वाला गर्म हो रहा है भाई,
चमचा और खुशबू। खुशबू सच में बड़ी अच्छी आ रही है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है यार गाइस, ये ना चाय। थोड़ी सी यार ठंडी हो जाए ना, फिर मैं चेक करता हूँ, मैं पीता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि भाई कैसी कश्मीरी चाय बनी है मेरे से। एक ना खुशी महसूस हो रही है मुझे, पता नहीं क्योंकि मैंने इतना बड़ा काम किया, मैंने कश्मीरी अपनी चाय, मैंने क्योंकि ना अपनी लाइफ में पहली दफ़ा मैं कश्मीरी चाय पीऊँगा, और मैं पहली दफ़ा मैंने अपने हाथों से कश्मीरी चाय बनाई है। कॉफ़ी और चाय तो मैं तो बनाता ही रहता हूँ, लेकिन ना कश्मीरी चाय मैंने पहली दफ़ा बनाई है ना, तो मेरे अंदर पता नहीं एकदम की इतनी खुशी हो रही है कि मैंने कोई बड़ा कारनामा किया है। यार चलो थोड़ी सी यार ठंडी हो जाए ना, फिर मैं पीता हूँ, नॉर्मल हो जाए यानी कि, फिर मैं इंशाल्लाह पी के फिर मैं बताता हूँ कि भाई कैसी बनी है कश्मीरी चाय। सही है, चलो यार मैं अंदर लेके चलता हूँ। तो भाई मैं आ चुका हूँ अपने ड्राइंग रूम में, मेरा जो ये प्यारा सा जो है ना ड्राइंग रूम, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और ना बस अब मैं यार मैं यहाँ पे ना अब ये पी के फिर मैं तुम लोग को बताता हूँ कि कैसी बनी है यार ये ना कश्मीरी चाय। यकीन करो यार खुशबू ना बहुत वीआईपी वाली आ रही है, बहुत टाइट आ रही है खुशबू। लेकिन मैं अपना तुम लोगों को मैं अब चेक करके बताता हूँ कि कैसे बनी है। सही है, तो भाई मैं अब कश्मीरी चाय पीता हूँ, मैंने कैमरा सामने सेट कर दिया है, अभी पी नहीं रहा मैं, खुशबू सुन रहा हूँ अभी यार सच में यार। लेकिन ना मुझे पता नहीं कि उसमें ना मुझे चीनी ज़्यादा लग रही है, पता नहीं शायद खुशबू जिस तरह से आ रही है ना वो चीनी की बहुत ज़्यादा आ रही है। अब पता नहीं चीनी डली भी है या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि चीनी इसमें डली हुई है। खुशबू अच्छी है वैसे, लेकिन चीनी की बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है। चमचा मैं हटा देता हूँ, अबे भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, नज़र नहीं लगा देना भाई, पहली दफ़ा पी रहा हूँ यार। सच बताऊं, एक सेकंड, एक और यार मैं सिप ले लूं। एक तो गर्म है, लेकिन सच बताऊं मैं इसको 10 में से दूंगा 8 नंबर। अच्छी बन सकती थी, और चीनी भी सही है, चीनी थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं बोल रहा हूँ ना चीनी की खुशबू आ रही है। लेकिन ना पैकेट वाली जो है ना कश्मीरी चाय ये इतनी सही है, लेकिन जो हम समझ रहे होते हैं ना कि इतनी अच्छी होती है पैकेट्स की, तो भाई बस सही है, नॉर्मल है ये। तो मैं पहली दफ़ा पी रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई टेस्ट कैसा होता है, लेकिन सही है, पी सकते हो आप, पीने के लायक है। तो मैं इसको 10 में से 8 नंबर दूंगा। सही है, मलाई डाली थी ना, मलाई भी आ गई, अच्छी है। लेकिन ना यानी कि जो घर की एक जो बनती है ना, घर में जो एक जो बनती है पूरे पैकेट्स के बगैर, पता नहीं क्या कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, देख रहे हो इसमें ड्राई फ्रूट एक भी नहीं निकला है, तो उन्होंने पूरा चूरा कर दिया होगा ये क्या कुछ। लेकिन सही है, पीने लायक है, अच्छी है, अच्छी है यार, बुरी नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है। बिस्मिल्लाह, सच में यार मैं सीरियसली बता रहा हूँ कश्मीरी चाय अच्छी है। लेकिन ना यानी कि घर की जो होती है ना उसकी बात होती है अलग। सही है, तो भाई अब मैं व्लॉग को एंड कर रहा हूँ, और मैं ना ये जो चाय जो है, बल्कि यार मैं अपनी अम्मी को भी चखा देता हूँ ना थोड़ी सी, कि अम्मी भी तो थोड़ा सा रिव्यू देंगे ना कि भाई कितनी अच्छी बनी है ना। चलो यार आओ यार, मैं ना अम्मी को भी एक सेकंड मैं चखा ही देता हूँ, थोड़ी सी मैं उनको भी तो पिलाऊँ ना चाय। तो भाई मैं आ गया हूँ अम्मी के रूम में, अम्मी हाँ कैसे बनी है, गर्म है थोड़ी सी, मैंने पहली दफ़ा पी रहा हूँ तो मुझे टेस्ट कैसा लग रहा है, पी हुए ना आपने तो? सही है, घर की ज़्यादा अच्छी है ना, घर की ज़्यादा अच्छी होती है। 10 में से कितने नंबर होंगी, 10 में से अगर आप दें तो कितने देंगी?
सीरियसली बस वो बताना, कोई वो नहीं। 8 नंबर दिए जाएंगे हैं। मैं अबे मैंने भी 8 बोले थे सच में। हाँ मैंने वैसे 8 बोले थे कि 10 में से मैं 8 दूंगा। वाह भाई सही है भाई। हाँ घर की थोड़ी सी ज्यादा अच्छी होती है भाई। अच्छा भाई देख लो यार गाइस, मेरी ऑन है मेरी माँ की चॉइस, आप लोग देख लो कि किस तरह से। बिल्कुल अभी मैंने सच में मैंने बोला 10 में से 8 बस इत्तेफाकन। चलो मैंने अभी और थोड़ी सी पीता, फिर मैं तुम लोगों को बता दूँ। तो भाई अम्मी से भी हमने रिव्यू ले लिया, मैंने रिव्यू ले लिया, सही है अच्छी बनी है। चीनी भी ना नॉर्मल है, थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन सही है। लेकिन वही है 10 में से अम्मी ने भी 8 नंबर दिए, मैंने भी 8 दिए। तो भाई बस ये कश्मीरी चाय का ब्लॉग था। और यार बस आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मैं फ़ुटबॉल खेलूँ, फ़ुटबॉल का मैं ब्लॉग बनाऊँ या ना बनाऊँ, सही है। अगर जिसने फ़ुटबॉल का ब्लॉग नहीं देखा अभी तक तो मैं ना उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, सही है। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके तो बस ये आज का जो ब्लॉग था, ये इसका टाइटल ही आने वाला है कि कश्मीरी चाय, सही है। तो बस यार आई होप कि आप लोगों को यार ये ब्लॉग पसंद आया होगा। शायद छोटा सा कोई ब्लॉग बनाए, इतना ज़्यादा नहीं बनाए, सही है। ओके डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।